Hello students, welcome to K2 Institute. So today we will be starting the new topic of chapter number 3, class 12, Polity. The name of the topic is India and its neighbor. So basically, इस चैप्टर के अंदर हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ने स्टार्टिंग में पहले तो इंटरनल उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके बारे में जाना, उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने बात करी पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या थी। देन हम लोगों ने बात करी बांग्लादेश के बारे में। देन हम लोगों ने बात करी नेपाल के अंदर किस तरीके से मोनार्की सिस्टम था और धीरे धीरे करके फिर वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। देन हम लोगों ने बात करी श्रीलंका के बारे में भी, श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने बात करी वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कौन से ग्रुप्स को लेके वहाँ पे लड़ाइयाँ चलती हैं, वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। देन हम लोगों ने इवन बात करी किसके बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेनली लड़ाइयाँ क्यों रहती हैं, हमने वो चीज़ भी अच्छे से डिस्कस कर ली है, राइट। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच टॉक्स अबाउट इंडिया एंड इट्स अदर नेबर। इंडिया और उसके जो नेबर्स हैं उनके रिलेशंस कैसे हैं। हमने पाकिस्तान के बारे में तो बात कर ली कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर रीजन एज वेल, कि अदर जो सात आपकी कंट्री हैं साउथ एशियन कंट्रीज, उनके हमारे रिलेशंस कैसे हैं। बी टी और मालदीव, बी टी और श्रीलंका, बी टी और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन विद द टॉपिक। The government of India and Bangladesh have had differences over several issues, including the sharing of Ganga and Brahmaputra. देखो, हम लोगों ने 1971 में बांग्लादेश की हेल्प की थी उनको एक सेपरेट कंट्री बनाने में। हम लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में हेल्प करी थी 1971 में। आजादी किससे? फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान, हम वीडियो में कवर कर चुके हैं। बट इसके बावजूद भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कहीं ना कहीं छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। किस चीज के ऊपर? वाटर के ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी थी लास्ट क्लास में भी कि जो गंगा है वो इंडिया से ओरिजिनेट करती है, बट वो जाकर बे ऑफ बंगाल में इंसर्ट कर जाती है, और बे ऑफ बंगाल कहाँ से? बांग्लादेश से। मैं एक बार आपको मैप के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, सो दैट यू विल गेट एन बेटर आइडिया, राइट। ओके, सो लेट्स से कि इफ दिस इज आवर इंडिया, राइट, एंड यहाँ हमारा बांग्लादेश है, आपकी जो गंगा रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट करती है, ऐसे निकल के बांग्लादेश से चली जाती है बे ऑफ बंगाल। दिस इज योर बे ऑफ बंगाल। गंगा रिवर जब बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो उसको पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है, पद्मा रिवर के नाम से, राइट। एंड सिमिलरली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपकी तिब्बत से ओरिजिनेट करती है, यहाँ से ओरिजिनेट करके, और वो अरुणाचल मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आके और वो भी बांग्लादेश में एंटर करके फॉल कर जाती है, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल। तो दो रिवर को लेकर मेनली हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इशू रहता है कि इनका पानी कौन यूज करेगा, कितना परसेंट यूज करेगा, क्या इंडिया डैम बना सकती है, क्या वो पानी को कंट्रोल कर सकती है। कई बार क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे डैम बना के पानी को इंडिया में रोक लेती है, कई बार ऐसा होता है हम कनाल बना के पानी को डाइवर्ट कर देते हैं। तो वो सब चीजें उनको लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफी हद तक इशू रहता है, राइट। सो वी आर ऑल्सो अनहैप्पी विद द बांग्लादेश डीलिंग ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई जब पाकिस्तान का पार्ट था बांग्लादेश, तब से ही ये जो रिफ्यूजीज वाली प्रॉब्लम है ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है। मतलब काफी ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से इंडिया में इंफिल्ट्रेट करके आ जाते हैं। क्यों आते हैं? जाहिर सी बात है, बांग्लादेश के अंदर इतनी अभी डेवलपमेंट हुई नहीं है, इंडिया के अंदर काम ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो ये जो बांग्लादेश के लोग हैं इंडिया के अंदर एज अ रेफ्यूजी आ जाते हैं और इंडिया के अंदर रहते हैं और काम करते हैं। इससे क्या होगा, इंडिया की पॉपुलेशन को जो रिसोर्स मिलने चाहिए थे वो किसको मिलने लग जाते हैं? बांग्लादेशीज को। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मेजर इशू है। हम लोगों ने बोला बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कि प्लीज आप ये जो इलीगल इमिग्रेशन है इसके खिलाफ कोई रूल कुछ कीजिए, बट गवर्नमेंट ने क्या करा बांग्लादेश की, उसको डिनाई कर दिया, उसको मना कर दिया। इट्स सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। ऑल्सो हमारा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं एंटी इंडियन इस्लामिक ग्रुप को सपोर्ट करती है। बांग्लादेश ने और क्या मना कर दिया, टू अलाउ द इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू द टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। हम चाहते थे, देखो जैसे कि हमारा मैप है, ये हमारा मैप है, अगर हम चाहें बांग्लादेश अगर अलाउ करे तो हम लोग अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आराम से थ्रू लैंड जा सकते हैं, बट बांग्लादेश ने अपना लैंड यूज करने से मना कर दिया। हम चाहते थे कि हमारी जो आर्मी है वो इस तरीके से बांग्लादेश से होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंट्री ले ले, ठीक है, क्योंकि चिकन नेक ऊपर तक आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप इंडिया का प्रॉपर मैप देखेंगे तो, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मैं बात करूँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें आपकी सेवन सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं, तो अगर आप इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही यहाँ पे लिंक है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, लेट्स से कि दिस इज योर इंडियाज मैप, राइट, और ये आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट है। तो ये जो पर्टिकुलर छोटा सा एरिया है, अगर आपको इंडिया से नॉर्थ ईस्ट जाना है तो आपको सिर्फ एक छोटा सा एरिया मिलेगा, इसको बोलते हैं चिकन नेक, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं चिकन नेक। इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से कि भाई प्लीज अलाउ द इंडियन आर्मी टू यूज योर टेरिटरी इन ऑर्डर टू एंटर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ताकि हम नॉर्थ ईस्टर्न पर अच्छा अपना कंट्रोल बना सकें, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो यहाँ वाले लोगों को तो देख नहीं पाएंगे हम, बट बांग्लादेश ने वो चीज़ के लिए मना कर दिया। एंड इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया और अलाउ म्यांमार टू डू सो टू बांग्लादेशी टेरिटरी।
हम चाहते थे कि जो बांग्लादेश है वो नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करे इंडिया में, बट बांग्लादेश ने उसके लिए भी मना कर दिया। इनफैक्ट बांग्लादेश ने म्यांमार से जो गैस आती है, मतलब ये म्यांमार है तो हमने बोला म्यांमार से गैस मंगा लेंगे हम, बट प्लीज अलाउ द म्यांमार टू एंटर थ्रू योर टेरिटरी, बांग्लादेश ने उस चीज के लिए भी मना कर दिया। बांग्लादेशी गवर्नमेंट हैव फेल्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट बिहेव लाइक अ रीजनल बुली ओवर अ शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स एनकरेजिंग रेबेलियंस इन द चित्तागोंग हिल ट्राइब। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो क्यों ऐसा कर रहा है, बांग्लादेश को लगता है कि इंडिया जो है वो साउथ एशियन रीजन के अंदर एक यूएसए की तरह डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है। तो बांग्लादेश का मानना है कि इंडिया क्योंकि तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, एरिया में सबसे बड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं डोमिनेट करना चाहता है। तो दैट्स व्हाई बांग्लादेश कहीं ना कहीं इंडिया से उसके खिलाफ ऐसा सोचता है कि इंडिया को अगर हमने सारा सपोर्ट कर दिया तो इंडिया जो है वो डोमिनेट करने लग जाएगा। ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड। अब बेसिकली क्या है ना, बांग्लादेश का ऐसा मानना है कि जो इंडिया है वो इलीगल माइनिंग करता है नेचुरल गैस की इन द चित्तागोंग हिल ट्राइब्स, बट ऐसा नहीं है, इंडिया नहीं करता है। वैसे तो वी आर नॉट रियली श्योर, बट बांग्लादेश ऐसा क्लेम करता है कि जो इंडिया है वो इस हिल रीजन में, जो चित्तागोंग हिल एरिया, यहाँ पे अनफेयर तरीके से नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करता है। द टू कंट्रीज कुड नॉट रिजॉल्व देयर बाउंड्री डिस्प्यूट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये भी आपको मालूम होगा कि इंडिया और बांग्लादेश लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये जो बॉर्डर है वो कोई क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया और बांग्लादेश है ना, बहुत पहले एक ही था सब कुछ, तो ऐसा है कि जो इंडिया और बांग्लादेश है उसके कई कई पॉकेट्स आज भी बांग्लादेश में है। देखो जैसे कि ये आपका बांग्लादेश है, अब लेट्स से कि ये आपका बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर है, बट ये सपोज करो छोटा सा एरिया इंडिया का है, सिमिलरली इंडिया के अंदर ये छोटा सा एरिया बांग्लादेश का है, तो ये कुछ टेरिटरी क्लेरिफाई नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, बहुत अजीब सी बाउंड्री बनी हुई है। बहुत सारे एनक्लेव, बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जो इंडिया को बिलोंग करते हैं बट स्टिल वो बांग्लादेश में है। बहुत सारे बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी है जो इंडिया के अंदर है, और ये जो बॉर्डर है ये तो बिल्कुल क्लियर है ही नहीं, बहुत एकदम वेग सा बॉर्डर है, राइट। Despite their differences, India and Bangladesh do cooperate on many issues. अब इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बिल्कुल ही बेकार है। They do cooperate in certain issues, ठीक है, on certain issues. Economic relations, सबसे पहले तो आपका इकोनॉमिक relations है, और पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि हमारे और बांग्लादेश के जो इकोनॉमिक relations है वो काफी हद तक इम्प्रूव करे हैं। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी सिंस 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनी अडॉप्ट की थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब ईस्ट की तरफ देखो। अब इंडिया के ईस्ट में कौन है? तो इंडिया के ईस्ट में आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है, और आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। तो इंडिया ने कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ तो हम कर ही रहे हैं ट्रेडिंग वगैरह, बट ईस्टर्न वर्ल्ड को भी देखो, ईस्टर्न वर्ल्ड को निगलेक्ट मत करो। तो इंडिया की एक पॉलिसी थी 2014 में जो लॉन्च हुई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी या फिर लुक ईस्ट पॉलिसी, और बांग्लादेश उसका एक पार्ट है। मतलब हम चाहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ साथ ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी अपने रिलेशन कैसे बनाए, हम स्ट्रॉन्ग बनाए। On disaster management and environmental issues, the two states have cooperated regularly. और बांग्लादेश और इंडिया में यहाँ पे आप देखेंगे कोस्टल रीजन है, तो यहाँ पे कभी साइक्लोन, कभी अर्थक्वेक, ये बहुत कॉमन है। तो डिजास्टर को जो डिजास्टर से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, जो रिफ्यूजी कैंप्स है, जो रिलीफ कैंप्स है, उसको भी लेके दोनों कंट्रीज के बीच में काफी हद तक हम लोगों ने देखा कि अच्छे रिलेशन है, कॉपरेशन बहुत अच्छा है। इन 2015 दे एक्सचेंज सर्टेन एनक्लेव, जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ एनक्लेव बांग्लादेश में थे बट इंडिया में थे, वो सब चीज। तो 2014 में एक ऐसा कुछ अटेम्प्ट था गवर्नमेंट का, दोनों गवर्नमेंट का म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि जो एनक्लेव इंडिया में आते हैं और बांग्लादेश के हैं, आप उन्हें इंडिया में रहने दीजिए, हम उसको इंडिया का बना लेंगे, और बांग्लादेश वाले बांग्लादेश में रख लीजिए। तो ये इनका था कि हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे कुछ एनक्लेव्स को। एफर्ट्स आर ऑन टू ब्रॉडन द एरियाज ऑफ ऑपरेशन फर्दर बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन थ्रेट्स एंड बीइंग मोर सेंसिटिव टू ईच अदर। अब ऐसा नहीं कि दोनों गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल उनके रिलेशन बेकार है, दोनों गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो रिलेशन है अच्छे हो जाए, अच्छे से हम और चीजों में कॉपरेट करें, और जो मेन हमारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें एक दूसरे से खतरा है, हम उनको आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर काम करें और एक दूसरे की नीड्स को हम समझें। तो नाउ बोथ द गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू बिल्ड गुड रिलेशंस विद ईच अदर। ये हम लोगों ने बांग्लादेश की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया और नेपाल का काफी स्पेशल रिलेशन है, दैट हैज वेरी फ्यू पैरेलल्स इन द वर्ल्ड। तो मतलब इंडिया और नेपाल का रिलेशन अगर आप देखेंगे ना, तो दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि नेपाल हमारे बिना भी रह सकता है और हम नेपाल के बिना। नेपाल एक तरीके से हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री। तो अब अगर नेपाल को कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो उसको इंडिया की टेरिटरी यूज करनी ही पड़ेगी। और हम लोग बांग्लादेश की तरह मना नहीं कर देते, हम लोगों ने ओपन किए हैं अपने डोर्स की, ठीक है, नेपाल को जो भी हेल्प चाहिए इंडिया को प्रोवाइड करेगा। अ ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज अलाउज द सिटीजन ऑफ द टू कंट्री टू ट्रैवल टू एंड वर्क इन द अदर कंट्री विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट। देखो कितनी अच्छी चीज है कि सपोज करो ये आपका इंडिया है, अगर इंडिया से किसी इंसान को नेपाल जाना है, तो ये चीज आपको शायद से मालूम भी होगी, ये आपका नेपाल है, अगर किसी इंसान को नेपाल से इंडिया में आना है काम करने के लिए, तो उसे कोई वीजा की जरूरत नहीं, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं, वो फ्रीली यहाँ पे आ सकते हैं। सिमिलरली नेपाल में आपको मालूम होगा काठमांडू मंदिर है, बहुत फेमस, वहाँ पे हिंदू रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं वो साइट्स हैं। तो इंडियंस अगर नेपाल के अंदर वो मंदिर जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो दे कैन इजिली विजिट दीज एरियाज विदाउट एनी इशू ऑफ वीजा एंड पासपोर्ट।
आपको ये भी मालूम होगा कि नेपाल के अंदर इतना कोई डेवलपमेंट है नहीं, तो नेपाल के ज्यादातर जो लोग हैं वो काम करके इंडिया के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, राइट। तो वो भी हम लोगों ने अलाउ किया होगा ऐसे लेवल, ठीक है। 6 PM तक ये एक है पॉइंट, आप देख लीजिए कि 6 PM तक नेपाल, देखिए नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर है ना वो इतने ओपन है कि लोग बाग काम करने के लिए नेपाल से इंडिया आते हैं। सुबह वो लोग काम करने आते हैं इंडिया के अंदर और 6 बजे तक वो लोग वापस चले जाते हैं नेपाल के अंदर। तो कितना फ्री एकदम यहाँ पे सब काम चल रहा है, कोई बॉर्डर को लेकर आते नहीं कि स्ट्रिक्टली हमें बॉर्डर पे कोई आर्मी रखनी पड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। डिस्पाइट द स्पेशल रिलेशनशिप द गवर्नमेंट ऑफ द टू कंट्रीज हैव ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो होते ही हैं, तो इतना अच्छे रिलेशन, इतने स्पेशल रिलेशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स हैं जो नेपाल और इंडिया के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार अपना ये जो डिसप्लेजर है उसको एक्सप्रेस किया है। देखो हमें जाहिर सी बात है कि चाइना जो है वो इंडिया का एनिमी है, क्यों? क्योंकि चाइना ने तो हमारा साइड चेन ऑक्यूपाई कर रखा है। तुम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, ये सपोज करो ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का ये वाला जो एरिया आपका अक्साई चिन वाला लद्दाख वाला जो एरिया है ये चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। अब हम नेपाल के साथ इतना अच्छा फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रख रहे हैं बट नेपाल हमको डिच कर रहा है, नेपाल चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है कि चाइना जो है वो नेपाल के साथ रिलेशन बना रहा है और नेपाल का जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं एंटी इंडियन एलिमेंट्स में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब चाइना अगर नेपाल और चाइना फ्रेंडशिप करेंगे तो चाइना वाले नेपाल से फेवर मांगेंगे ना कि आप इंडिया के अगेंस्ट हमारे साथ खड़े हो जाओ, तो इसलिए हमें ये चीज पसंद नहीं। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी सी द माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल एज अ ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट गिवन द राइज ऑफ नक्सल ग्रुप्स इन द वेरियस इंडियन स्टेट्स फ्रॉम बिहार इन द नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ। अब ये भी आपको मालूम है कि कुछ नक्सलवादी ग्रुप्स हैं जो कि कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर भी ग्रो कर रहे हैं, कुछ माओइस्ट मूवमेंट है जो नेपाल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्गली ग्रो कर रहे हैं। माओइस्ट के बारे में हम लोग चैप्टर के पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। माओइस्ट आर बेसिकली दोज एक्सट्रीम ग्रुप्स, ये लोग आर्म रेबेलियन में बिलीव रखते हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग प्रॉपरली सब चीज में चेंजेस लेकर आए, गवर्नमेंट को आर्म का यूज करके हटा दें, तो ये लोग इनको माओइस्ट गोरिल्लाज भी कहा जाता है। तो इनका भी एक राइज देखने को मिल रहा है नेपाल के अंदर और ये हमारे लिए कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट है कि अगर ये लोग ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो दे कैन एक्चुअली हार्म द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है। तो इस चीज को लेके हम लोग थोड़ा सा कंसर्न है। अदर देन दैट मेनी लीडर्स हैड एंड सिटीजंस इन नेपाल थिंक दैट द इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, और कई हद तक नेपाल के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि इंडिया वाले नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। Has designs on its river waters and hydro electricity and prevents Nepal, a landlocked country, from getting easier access to the sea through Indian territory. हम लोगों ने उन्हें फ्री एक्सेस दिया हुआ है बट स्टिल कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि जो इंडिया है वो फ्री एक्सेस नहीं देता है नेपाल को ऑफ द इंडियन सी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ रिवर्स में कुछ ना कुछ हम इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, हम अपने रिवर वाटर को कभी डाइवर्ट कर देते हैं कभी डैम्स बनाते हैं, तो नेपाल उस चीज के भी अगेंस्ट है। नेवरदलेस इंडो नेपाल रिलेशंस आर फेयरली स्टेबल एंड पीसफुल, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि नेपाल और इंडिया के बीच में लड़ाइयाँ बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत पीसफुल और सब स्टेबल है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली नेपाल हम पर डिपेंडेंट है तो वो क्या ही बोलेगा बेचारा। डिस्पाइट डिफरेंसेस ट्रेड साइंटिफिक कॉपरेशन कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर नेपाल और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक दूसरे को इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं आपकी, ट्रेड इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेड बहुत कॉमनली अच्छा खासा चलता है, साइंटिफिक कॉपरेशन हम लोग साइंस के मामले में भी आपस में कॉपरेट करते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो कॉमन है इंडिया और नेपाल में वो भी हम लोग कॉमन मतलब उसके ऊपर भी एग्रीमेंट है हमारे, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट, तो इस सब के ऊपर हमारा नेपाल के साथ काफी अच्छा कॉपरेशन है। देयर इज अ होप दैट कंसोलिडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन नेपाल विल लीड टू इंप्रूवमेंट इन द टाइज बिटवीन द टू पावर, अब ऐसा हमारी उम्मीद है कि जब नेपाल के अंदर प्रॉपरली डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाएगी, अभी तो खैर डेमोक्रेसी है बट अगर डेमोक्रेसी और एक अच्छे लेवल पे बन जाएगी तो कई हद तक जो नेपाल और इंडिया के रिलेशन है वो इंप्रूव कर जाएंगे। सो दैट कम्प्लीट्स आवर रिलेशन विद नेपाल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका। अब तक हम लोग इंडिया और पाक के रिलेशंस कर चुके हैं, इंडिया बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, इंडिया नेपाल के बारे में पढ़ा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। हम लोगों ने लास्ट अपना पढ़ लिया था कि श्रीलंका के अंदर मेनली एथनिसिटी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, तो इंडिया ने उसके अंदर इंटरफेयर किया था, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में किस चीज को लेकर लड़ाई है, तो वो एथनिसिटी को लेकर लड़ाई है। इंडियन लीडर्स एंड सिटीजंस फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तमिल्स आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड आर बीइंग किल्ड। जाहिर सी बात है कि जब जो तमिल्स हैं उनको अगर श्रीलंका में श्रीलंकन गवर्नमेंट कुछ नुकसान पहुंचाएगी तो इस मामले में इंडिया के लोग और इंडिया की सरकार चुप थोड़ी ना बैठेगी, क्योंकि इवेंचुअली ये हैं तो अपने लोग, हमारे इंडिया के ही हैं, हमारे इंडिया के हैं, क्या हो गया अगर माइग्रेट कर गए तो, अगर आप इनको पॉलिटिकली खुश नहीं रखोगे, इनको किलिंग करोगे मास किलिंग, तो डेफिनेटली बात है इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के लोग गुस्सा हो जाएंगे, वो लोग एक्शन लेंगे। तो आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन हमने देखा कि 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका के अंदर एंटर करी थी, बट अल्टीमेटली वो आपका LTT के साथ ही उनकी लड़ाई हो गई थी, ठीक है, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। द इंडियन गवर्नमेंट नाउ प्रेफर्स द पॉलिसी ऑफ डिस एंगेजमेंट विद श्रीलंका इंटरनल ट्रबल्स। देखो
डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग मिलिट्री लेके एंट्री कर जाएंगे श्रीलंका के अंदर, और वो जो हमारे तमिल्स को परेशान कर रहे हैं हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, बट वो अनसक्सेसफुल रहा। तो इंडिया जो है वो एक दूसरी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। इंडिया ने क्या करा कि हम लोग अगर श्रीलंका वाले अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल्स के साथ कुछ गलत करेगी, तमिल्स के साथ कुछ गलत करेगी, तो हम श्रीलंका के साथ अपने टाइज जो है वो उनको बंद कर देंगे, मतलब हम ट्रेड वगैरह करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमने उनको डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी का थ्रेड दिया है। इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका विच स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन टू कंट्री। ऑल तो हमारे बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, बट कभी अगर श्रीलंका वाले तमिल को परेशान करेंगे तो इसको अफेक्ट पड़ सकता है। इंडिया हेल्पिंग पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन इन श्रीलंका हैज आल्सो ब्रॉट द टू कंट्रीज क्लोजर। आपको मालूम होगा इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक सुनामी आई थी, उसके बाद श्रीलंका काफी डिस्ट्रक्ट हो गया था, तो हमने श्रीलंका की हेल्प करी थी उसको रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इससे भी इंडिया और श्रीलंका काफी क्लोज आ गए थे। सो दैट्स अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका में ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिया एंड भूटान। तो हमारे भूटान के साथ कैसे रिलेशंस हैं? तो हमारे डेफिनेटली बात है, आपने कभी सुना नहीं होगा कि इंडिया और भूटान के बीच में कोई लड़ाई हुई है, कोई कंफ्लिक्ट हुआ है, बिकॉज भूटान जैसे ही छोटा सा है, मोनार्की सिस्टम है और लैंडलॉक्ड है, तो इंडिया पे डिपेंडेंट रहता है ज्यादातर वो भी। तो एज सच कोई भूटानीज गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई मेजर कंफ्लिक्ट कभी नहीं हुआ। द एफर्ट्स मेड बाय द भूटानीज मोनार्क टू वीर आउट द गुरिल्लास एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट ऑपरेट इन दिस कंट्री हैव बीन हेल्पफुल इन इंडिया। भूटान के जो मोनार्क हैं वो हेल्प करते हैं इंडिया की किस चीज में? देखो ये आपका इंडिया है और हम लोगों ने बात करी थी कुछ मिलिटेंट ग्रुप, कुछ गुरिल्ला ग्रुप्स के बारे में, राइट। तो ये आपका नेपाल है और ये आपका भूटान है। भूटान के जो मोनार्क है ना, वो कई बार क्या करते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट में छुपे हुए बैठे मिलिटेंट ग्रुप है उनको निकाल के फेंकने में हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली इससे इंडिया को भी हेल्प मिलती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को भी तो इनसे नुकसान ही है ना, जो मिलिटेंट ग्रुप है, तो इस चीज में इंडिया को हेल्प मिलती है। इंडिया इज इन्वॉल्व इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान एंड रिमेन्स द हिमालयन किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेफिनेटली बात है कि इंडिया टेक्नोलॉजिकली इतना आगे बढ़ चुका है कि दूसरी कंट्रीज को हम हेल्प करते ही है, तो हमने भूटान के अंदर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट करे हैं, जिससे कि अल्टीमेटली भूटान को भी फायदा होता है। और हिमालयन किंगडम में अगर हम बात करें तो इंडिया इज द बिगेस्ट एड, हम लोग सबसे ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं किसको? भूटान को। अब बात करते हैं इंडिया और मालदीव्स की। तो इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशन है वो काफी वार्म और कोडियल है, मतलब अच्छे रिलेशन रहे हैं। नवंबर 1988 के अंदर व्हेन तमिल मर्सनरीज फ्रॉम श्रीलंका अटैक द मालदीव्स, द इंडियन फोर्स एंड नेवी रिएक्टेड क्विकली टू मालदीव्स रिक्वेस्ट टू हेल्प फ्रॉम द इन्वेजन। देखो 1988 के अंदर क्या हुआ था ना, कुछ तमिल मर्सनरीज थे जिन्होंने श्रीलंका से मालदीव पे अटैक कर दिया था। ये देखो यहाँ पे आपका श्रीलंका है और ये आपके मालदीव्स है, ठीक है। तो कुछ तमिल थे जिन्होंने मालदीव के ऊपर अटैक कर दिया था। मालदीव ने किसको बोला? इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि भाई देखो आपके कुछ लोग जो श्रीलंका में रहते हैं उन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि अपने आप डील कर लो, नो, इंडियन गवर्नमेंट वॉज लाइक कि हम लोग जल्दी से एक्ट करेंगे, हमारे बंदे किसी और पर अटैक कर रहे हैं और ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तो इंडिया ने स्ट्रिक्टली एक्शन लिया था और उनकी हेल्प करी थी अपनी नेवी वगैरह भेज के इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने में। इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द आइलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज। अब जाहिर सी बात है मालदीव में ज्यादातर टूरिज्म जो टूरिस्ट है वो इंडिया से ही जाते हैं, तो इससे भी मालदीव को काफी हेल्प मिलती है उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ओके, तो आपने ये देख लिया होगा कि इंडिया की काफी सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये सारे छोटे छोटे नेबर्स के साथ। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का साइज और पावर देखो आप कितना ज्यादा है, तो दे आर बाउंड टू बी सस्पिशियस ऑफ इंडियाज इंटेंशन। ये जो छोटे छोटे आपकी कंट्रीज है ना, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई इंडिया जो है वो पावरफुल अगर ज्यादा बन गया ना, तो इंडिया एक तरीके से डोमिनेंट कंट्री बन जाएगा साउथ एशिया, साउथ एशियन रीजन में। इंडियन गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड ऑफन फील्स एक्सप्लॉइटेड बाय इट्स नेबर। और कई बार ऐसा होता है कि इंडिया की सरकार को लगता है कि जो मेरे पड़ोसी हैं ये मेरे फैमिली हैं, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इंडिया कितनी हेल्प करता है नेबर्स की, हर तरीके से, कोई डिजास्टर हो कुछ भी हो हर चीज में हेल्प करता है। इट डज नॉट लाइक द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दीज कंट्री। और दूसरी बात यह है कि इन कंट्रीज में ना पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो इनके यहाँ पे अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे तो उसमें इंडिया को ही इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बांग्लादेश में अगर उनकी कोई इंटरनल पॉलिटिकल कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहां से फिर इमिग्रेंट्स आएंगे तो वो भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से इंडिया को प्रॉब्लम है किस चीज से, जो इन कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। प्योरली इट कैन हेल्प आउटसाइड पावर टू गेन इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन। अगर एक कंट्री के अंदर इंटरनली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी तो बाहर वाले उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड जो, जैसे कि आज आप क्या देखते हो, आज के टाइम में क्या सीन है कि जो आपका श्रीलंका है वहां पे चाइना का बहुत इंपैक्ट है। चाइना क्या करती है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन ये छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर ना अपने पोर्ट बना रखे, अपने बेसिस बना रखे। तो अब कहीं ना कहीं अगर श्रीलंका वीक हो जाएगा तो चाइना उसके ऊपर कंट्रोल कर लेगा, और चाइना तो अगर कंट्रोल करेगा तो इंडिया के लिए फिर ये नुकसान वाली बात है। तो इसलिए फिर जो इंडिया है वो ट्राई करती है कि इन कंट्रीज के अंदर हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ पे इनकी अपनी कोई गवर्नमेंट आके दूसरी कंट्री की कोई गवर्नमेंट आके इन पे इन्वेट कर ले।
Not all the conflicts in the South Asia are between India and its neighbor. Nepal and Bhutan as well as Bangladesh and Myanmar have had disagreements in the past over the migration of their ethnic. तो ऐसा नहीं है कि हर एक लड़ाई के अंदर इंडिया इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं है. कई ऐसी लड़ाई है जो उनके बीच में आपस में चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, नेपाल और भूटान के बीच में आपस में लड़ाइयां चलती रहती है, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में लड़ाई चलती है. किस चीज के ऊपर? माइग्रेशन से रिलेटेड जो इशूज है उन्हीं के ऊपर. सिमिलरली भूटान एंड द रोहिंग्यास इन टू द म्यांमार. अब आपको ये भी पता होगा कि म्यांमार के अंदर एक ग्रुप है मुस्लिम्स का जिसका नाम है रोहिंग्या मुस्लिम. अब म्यांमार के जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो बांग्लादेश में एंटर करते हैं, तो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी लड़ाइयां हैं. फिर बांग्लादेश एंड नेपाल के बीच में भी कुछ लड़ाइयां हैं हिमालय के वाटर को लेके, जो रिवर्स है उनको लेके. तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस दो आर बिटवीन इंडिया एंड अदर. ज्यादातर जो इस एरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया और दूसरी कंट्रीज के बीच में है, मेनली तो ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से, क्योंकि इंडिया बीच में है, सेंट्रली लोकेटेड है और द ओनली कंट्री दैट बॉर्डर्स दी अदर. तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो ऑलमोस्ट सबको बॉर्डर करती है. इधर आप देखोगे पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, इधर देखोगे नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, श्रीलंका के साथ भी, और इवन मालदीव के साथ भी. बॉर्डर तो नहीं है बट ठीक है, आपका ओशन वाटर आप लोग शेयर करते हो, ठीक है, वाटर टेरिटरी आप लोग शेयर करते हो. तो आप देख सकते हैं कि ऑल दो इनके बीच में आपस में भी लड़ाइयां होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बट इंडिया मेजर एक रोल प्ले करता है जितने भी आपके साउथ एशियन वर्ल्ड में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. आई होप द टॉपिक वाज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.